हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची समोसा। आपने देखा कितनी ज़्यादा क्रिस्प है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो इस लॉकडाउन में जब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, बाहर से हम समोसा नहीं खा सकते, तो हम इसे अपने घर पर बहुत ही आसानी से और कम सामान में भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा लिया हुआ है। इसमें हम डाल देंगे नमक, एक छोटा चम्मच से भी मैंने कम नमक लिया हुआ है यहाँ पे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो एक छोटा चम्मच अजवाइन मैंने लिया, इसको अच्छे से क्रश करके डाला। क्रश करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही आप इसमें मोयन के लिए घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हो। तो इसे हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हो एकदम अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो जब इस तरीके से बाइंड होने लगे, इसका मतलब कि हमारा मोयन परफेक्ट है, यानी कि जो हमने ऑयल डाला है वो परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसका टाइट डो लगा लेंगे। पानी यहाँ पे मैंने हल्का सा गर्म लिया हुआ है और अच्छे से हम इसका डो लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इसका डो लगा लिया है और ये मैंने टाइट डो लगाया है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है पर मुलायम भी नहीं है, मतलब टाइट है, आप देख सकते हो इतना। तो बस अब हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, हमारा आटा सेट हो जाएगा। तो जब तक हमारा आटा सेट होता है, हम देख लेते हैं कि हमें स्टफिंग के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे हरी मिर्ची हरे धनिया को काट के लिया है, इसके साथ ही खड़ी धनिया लाल मिर्ची और जीरा को मैंने भूनकर और दरदरा पीस लिया है, ये 2 बड़े चम्मच है। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक छोटा चम्मच मैंने चीनी लिया है और इसके साथ ही है थोड़ा सा आमचूर और चाट मसाला, एकदम चटपटा फ्लेवर देने के लिए। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया हुआ बेसन, ताकि हमारा जो पेस्ट होगा वो सूखा सूखा रहे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3-4 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने को भूनकर और हल्का सा क्रश कर लिया है। धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची मसालों मैंने ये चारों ले लिया है। और इसके साथ ही मैंने आलू लिया है, तो ये लगभग 8 से 9 आलू हैं। तो इसको मैंने अच्छे से उबाल कर कुकर में 3 सीटी आने तक उबाल लिया और छील लिया है। इसके बाद में मैंने इसको मैश कर लिया। इसको हम कद्दूकस नहीं करते हैं, मैश ही करते हैं ताकि इसके बड़े चंक्स भी रहें। तो अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला 2 बड़े चम्मच तेल, और जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची। तो टेस्ट मिर्ची का आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, कम ज़्यादा कर लेना, जैसा भी पसंद हो। तो मिर्ची हमारी पक चुकी है, अब हम गैस को एकदम धीमा कर देंगे और इसमें डालेंगे मसाले। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इसी के साथ में हम डाल देंगे ये जो हमने भुना मसाला लिया था। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालना। तो बस इन सभी को हम अच्छे से धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। जितने अच्छे से मसाले भुने रहते हैं तो हमारे समोसे उतने अच्छे बनते हैं। तो अब हम बेसन को भी थोड़ा सा भून लें ताकि उसमें कच्चापन ना रहे, और 1-2 मिनट इसको भी हम अच्छे से लो फ्लेम पर ही भून लेते हैं। और बेसन डालने से हमारे जो आलू हैं उसमें चिपचिपाहट नहीं रहती है, इसलिए हम बेसन डाल रहे हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, ये भी 1 छोटा चम्मच था, और ये आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, और चाट मसाला मैंने 1/2 छोटा चम्मच लिया है। आप चाहो तो नींबू का रस भी ले सकते हो। तो बस इन सभी को मैंने 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब में चीनी। चीनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपने अभी तक कभी भी चीनी डाल के समोसा नहीं बनाया है तो ज़रूर ट्राई करना, एकदम बहुत ही अलग टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अब हम सब आलूओं को इसमें डाल देंगे जो हमने तोड़ के लिए हुए हैं, और इसे हम भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और इस तरीके से हम आलूओं को तोड़ते जाएंगे इस पे चूल्हा से, और एकदम अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। हमको एकदम बारीक नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे हरी धनिया, नमक,
आपको इसमें हरी धनिया थोड़ा ज़्यादा डालो तो बहुत ही अच्छा लगता है। नमक मैंने एक छोटा चम्मच डाला है, आप स्वाद के अनुसार डालें। इसके साथ ही मैं मूंगफली डाल रही हूँ, पर ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना डालो। मूंगफली से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने डाल दिया। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो मत डालना। तो बस इन सभी को हम एक दो मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो बस हम इसे एक बर्तन में खाली कर लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। एकदम गरम गरम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इस्तेमाल करेंगे। और तब तक हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। आटा हमारा सेट हो चुका है, मैंने इसको 15 मिनट तक ढक के रखा था। तो इसे एकदम अच्छे से हम फिर से मसल लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए। तो मैं थाली को हटा दे रही हूँ और इसी पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो चुका है, मैंने इसको अच्छे से फिर से गूँथ लिया और अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। तो समोसा आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हो, मैं यहाँ मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा समोसा मैं नहीं बना रही, मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर कट कर दिया है लोइयों को। तो इन सब लोइयों को हम ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे ना। तो मैं थाली में ही रख देकर और इसको एक प्लेट से ढक दूंगी ताकि ये हमारी जो लोइयां हैं वो सूखे ना। जिस लोई का हमको काम होगा वो हम निकालेंगे और बाकी को ऐसे ढक कर रखेंगे। और हमारा आलू भी सेट हो चुका है, तब हम चलते हैं इसको बेलने के प्रोसेस में। तो हम एक लोई उठाएँगे और इस तरीके से गोल करके चिपटा करेंगे और इसे बेल लेंगे। तो बेलने के लिए आप थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा करके और आसानी से इसे एकदम पतला बेलना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एकदम पतला पतला बेलने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनता है ये। तो मैं थोड़ा सा सूखा मैदा लगा ले रही हूँ इसमें और इसे हम एकदम पतला सा बेल लेते हैं। और इसको हम थोड़ा सा लंबा बेलते हैं, बहुत ज़्यादा गोल नहीं बेलना है हमको, हल्का सा लंबाई में रखना है। ये देखिए आप इस तरीके से रखना है, मैं आपको दिखा रही हूँ उठा के कि ये कितना पतला है। ये देखिए एकदम पतला मैंने इसको बेल लिया है। तो एक बार फिर से मैं इसको सेट कर दूँ, उसके बाद में मैं इसे कट करूँगी। तो इसे कट करने के लिए आप चाकू में हल्का सा पानी लगा दीजिए ताकि एकदम अच्छे से कट हो जाए। तो मैंने इसमें पानी लगा दिया है और इस तरीके से हम बीच में इसको कट कर देंगे। एकदम बीच से मैंने इसको कट कर दिया है। तो अब हम दोनों को अलग अलग कर देंगे और एक पार्ट से हम समोसा पहले बनाएंगे। तो एक पार्ट हम उठाएंगे और इसके एक कोने में हम राइट साइड में लगा रहे हैं पानी। आधे में ही हमने पानी लगाया है और इस तरीके से हम बंद कर देंगे। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिया मैंने, एकदम कोना कोना नहीं चिपकाना है, थोड़ा सा ज़्यादा करके और इस तरीके से हम इस तरीके से चिपका देंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, आप एक दो बार बनाओगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये हो गया। अब ये जो सीधा जहाँ पे हमने यहाँ पे ये चिपकाया था, इसके एकदम सीधे में यहाँ पर इस तरीके से हम मोड़कर और इस तरीके से चिपका देंगे, तभी समोसे का शेप एकदम परफेक्ट रहता है। तो अब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो इसमें से हम एक चम्मच डेढ़ चम्मच स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरा भरा कम अच्छा लगता है, तो हल्का मतलब ऊपर जगह रखिए थोड़ा सा। और मैं यहाँ पे एक चम्मच स्टफिंग भर के इसके हल्का सा प्रेस कर दिया। अब हम इसमें कोने कोने में मतलब पूरे किनारे में पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये हो गया। अब हम दोनों कोनों को पकड़कर पहले चिपकाएंगे, उसके बाद में हम किनारों को चिपकाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, पहले हम दोनों जो बीच वाला पोर्शन है उसको पकड़ेंगे और चिपका देंगे, फिर इस तरीके से प्रेस करके। और ये लीजिए तैयार हो गया हमारा समोसा। तो इसी तरीके से मैं सारे समोसे को बना लूँगी। तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो तेल हमारा गरम हो चुका है और इसके लिए हमें मीडियम गरम तेल चाहिए, बहुत हाई फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा तेज गरम अगर हमारा तेल होगा तो जो हमारे समोसे हैं उसमें बबल्स पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमको मीडियम गरम तेल चाहिए और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। तो एक दो मिनट वेट करेंगे, जब ये हल्का सा हो जाएगा उसके बाद में हम इसे पलट देंगे और पलट पलट कर दोनों तरफ से सुनहरा रंग आने तक हमको पका लेना है। आप इसे बीच बीच में पलटते रहिएगा, फ्लेम को मीडियम रखिएगा और बहुत ही अच्छा आप समोसा बना करके तैयार करोगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे समोसे बन चुके हैं और एकदम बढ़िया क्रिस्पी लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और सारे समोसे को मैं सेम प्रोसेस से बना करके रेडी कर लूँगी। और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे समोसे बन करके तैयार हैं। तो ये लीजिए, मैंने सारे समोसे बना करके तैयार कर लिए हैं। और ये सुनिए, आपने सुना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची हमारे समोसे बने हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थे और सब ने बहुत तारीफ़ करी। बहुत ही अच्छे समोसे बने थे। आप भी बनाओगे तो सब आपकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक ले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।